दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने इक्वलाइजर बोर्ड पे एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ पर वो बोर्ड देख सकते हैं। तो उस बोर्ड पर काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट था कि सर उस बोर्ड को बड़े वाले एम्पलीफायर में लगा के दिखाएं। तो आज मैं आपको उस बोर्ड को बड़े वाले एम्पलीफायर में चला के दिखाऊंगा, उसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। साथ ही मैंने आज एक स्पीकर में पर्दा डाला है, उस स्पीकर के पर्दे की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहीं पर वो स्पीकर भी रखा है और यहीं पर वो बेस स्टेबल बोर्ड भी है या इक्वलाइजर बोर्ड भी है। एंड यहाँ पर मैंने दूसरे एम्पलीफायर के साथ अटैच किया है, जो कि 3055 या फिर 3773 आप बोर्ड बोल सकते हैं, तो उसके साथ अटैच किया है। चलिए फिर बैक कैमरा को ऑन करके आपको मैं म्यूजिक सिस्टम दिखाता हूँ। ये रहा मेरा म्यूजिक सिस्टम या फिर एम्पलीफायर बोर्ड जिसमें मैं इक्वलाइजर को फिट किया हूँ। तो काफ़ी लोगों का कमेंट था कि इसको हम किसी भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। जी हाँ, इसको आप डीजे के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ये एक इक्वलाइजर है, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमारे म्यूजिक सिस्टम को देता है। अगर आप सोचें तो इसमें हम डायरेक्ट स्पीकर चलाएं तो स्पीकर नहीं चलेगा। ये इक्वलाइजर है, ये सिग्नल को यहाँ से सिग्नल इसमें जाएगा और यहाँ से फिर इसमें एम्पलीफाई होकर इसमें जाएगा। तो यहाँ से आप बेस, ट्रेबल और मिड टोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक दो सॉन्ग को प्ले करके मैं आपको इसका परफॉर्मेंस सुनाता हूँ। तो आपका जो कमेंट था 3055 के साथ अटैच कीजिए, तो जी हाँ, 3055 या फिर 3773 के साथ भी मैं इसको अटैच करके आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। चलिए एक सॉन्ग को प्ले करता हूँ। और हाँ, इस स्पीकर को मैंने आज ही इसका पर्दा डाला हुआ, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी हाई क्वालिटी का इसमें बेस आ रहा है। और इसमें जो पर्दा मैंने डाला है वो रबर का पर्दा इसमें इस्तेमाल किया है। और जब इस स्पीकर को मैंने बनाया, इस स्पीकर की कंडीशन इतनी बुरी थी, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं, रिस्टोरेशन टाइप का आप समझ सकते हैं। तो मेरे मेन चैनल पर उसका वीडियो कुछ ही देर में पब्लिश हो जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो शायद कल परसों एडिट होगा तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। तो एक बार चैनल में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए एक सॉन्ग को मैं प्ले करके आपको मैं सुनाता हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि मैं किस मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ या फिर DSLR से शूट करता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। और कुछ दिनों पर मैं अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल को मैंने व्लॉगिंग पर्पज से भी बनाया है और नॉर्मली आपको नॉलेज देने के लिए, छोटा मोटा टिप्स वगैरह देने के लिए बनाया है, जो मैं अपने मेन चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड कर सकता हूं, तो इस चैनल पर अपलोड करके आपको मैं बता दिया करूंगा। तो चलिए एक सॉन्ग को प्ले करता हूं। वॉल्यूम को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी। यहाँ पर ये मास्टर है, क्योंकि सिग्नल इस रास्ते यहाँ पर आ रहा है, तो वॉल्यूम तीन जगह से कंट्रोल होगा। वॉल्यूम इधर से भी कंट्रोल होगा, अगर ब्लूटूथ से चला रहे तो आपके मोबाइल से भी कंट्रोल होगा, और यहाँ से भी कंट्रोल होगा, और यहाँ से भी। जो मेन वॉल्यूम है वो यहीं से कंट्रोल होगा। इस बोर्ड का जो वॉल्यूम है यहाँ से कंट्रोल होगा, इस बोर्ड का वॉल्यूम इधर से कंट्रोल होगा, इसका यहाँ से कंट्रोल होगा। तो तीन जगह पर वॉल्यूम के कंट्रोल के लिए दिए गए हैं, तो कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ और यहाँ फुल रहेगा तो फिर आप मेन वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मान सकते हैं कि मास्टर यहाँ पर जो दिए गए हैं, मास्टर के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो 30% बोर्ड है, इसकी वायरिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी, इसमें हीट सिंक की क्वालिटी, हीट सिंक बहुत ही ज़बरदस्त इसमें दी हुई है। बस 30% के फिलहाल दो बोर्ड हैं। अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं तो वो दो बोर्ड शायद मैं सेल कर लूँगा। देखूँगा इसका प्राइस कितना है और मैं कन्वर्सेशन के टाइम पे आपको बता दूंगा कि कितने तक का प्राइस रहेगा इसका। लगभग एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊँगा, एक अंदाजे से शायद 400-450 के समथिंग है। मैं फिर भी कन्फर्म करने के लिए इसका प्राइस लिस्ट में देख लूँगा कितना लगभग मुझे पड़ा है। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर इस स्पीकर का बॉक्स भी मैंने अपने हाथ से ही अब बनाया है। और यहाँ पर अंदर जो स्पीकर डाला हुआ है ना, इसमें भी पर्दा मैंने खुद ही डाला हुआ है। और एक दिन पहले मैंने इस स्पीकर को भी यहाँ पर बनाया है, इसमें भी एक पर्दा डाला है, एक ये है। और बाकी तो और सभी मैंने कस्टमर्स को दे दिए हैं, एक ये स्पीकर बचा है। तो ये मैं खुद ही यूज करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझे
कबाड़ पे मिला है, तो इसको मैं खुद ही इस्तेमाल करूँगा, किसी कस्टमर का नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा तो मैं इसको भी बेच दूंगा, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं इसको आपको सेल करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा कीमत में दूंगा, इसको आपको सस्ते दाम में दे दूंगा। बाकी अगर ऐसे बोर्ड आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पर इसको चलाने के लिए भी 12012 का इस्तेमाल किया है, इसको चलाने भी 12012 का इस्तेमाल किया है। इससे भी हम इसको 12012 दे सकते हैं, बट मैंने अलग अलग ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पर जो 30% बोर्ड है, इसमें हमें 7805 यहीं से 7805 लगी हुई मिल जाती है, जिससे ये आसानी से चल जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मुझे फ़ीचर लगे हैं, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने पूरा अपलोड पूरा डिटेल से बताया है कि किस तरीके से वो बोर्ड में वायरिंग वगैरह हुई है। तो बाकी इसके साथ में ये पोटेंशियोमीटर कनेक्ट हुए मिल जाते हैं, ये इसमें और भी खास बात है। तो चलिए एक दो गाना और सुनाता हूँ आपको, कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसमें 30% के बारे में और भी कोई इस पर वीडियो चाहिए तो बता देना। ये बेस कंट्रोल का है, ये बेस कंट्रोल का है, और इतना ज़बरदस्त बेस आ रहा है, मतलब स्पीकर भी भर्रा जा रहा पूरा इसके बेस से। हालांकि स्पीकर बेस वाले नहीं है, यानी कि होम थिएटर के वाले नहीं हैं, नॉर्मल यही वाले हैं, तो एक टाइम के बाद स्पीकर भी भर्राने लग रहा है, इतना ज़बरदस्त इसमें बेस आ रहा है। तो ये तो मिड पास का है, ये हाई पास का है, ये बैंड पास का है, यानी बेस ट्रेबल एंड मिड का। चलिए एक दो सॉन्ग और आपको सुनाना चाहूँगा। अच्छी तरीके से देख ली होगी। हाँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग मोबाइल पर रिकॉर्डिंग के टाइम पर बेस की क्वालिटी उतनी खास नहीं सुनाई देती है, बट लाइव कभी आप सुने तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। आप इसको किसी भी एम्पलीफायर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो चले फिर वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।